ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के अंदर अभी तक हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या है लवण के बारे में देखा, लवण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके तीन प्रकार थे, सामान्य या सरल लवण, दूसरा हमारा था द्विक लवण, तीसरा हमारा था संकुल लवण। क्या होते हैं उदाहरण सहित हमने देखा था। लवण के बाद हमने आगे किया था आयनन देखा था संकुलों का, संकुलों का आयनन देखा था किस तरह से संकुल जो है वो आयनित होते हैं, तो किसी को शायद अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने ये लिख दिया K4COEN का होल थ्राइस, K4COEN का होल थ्राइस ये लिख दिया यहाँ पे, और इसको हमने कहा कि इसको आयनन करना है। क्या करना है, आयनन करना है, या इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया हमने Cl3, इसका आयनन करना है तो आराम से कर सकते हैं, ये पूरा एक साथ रहेगा, ये अलग हो जाएगा, तो इस पे क्या है प्लस का 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Cl-3 है तो 3Cl-, तो आयनन इसका कैसे हो जाएगा, CoEn का होल थ्राइस प्लस 3 और ये 3Cl-। टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे, कुल आयनों की संख्या एक यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 1 + 3 = 4। ये हम सब सीख चुके हैं। आय संकुलों के आयनन के बाद हमने देखा था केंद्रीय धातु क्या होता है, केंद्रीय धातु क्या होता है, ये उदासीन भी हो सकता है और आवेशित भी हो सकता है, उदासीन या आवेशित ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरह से। केंद्रीय धातु के बाद हमने देखा था लिगेंड, लिगेंड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो लिगेंड क्या है आपका, उदासीन भी हो सकता है, ये ऋणावेशित हो सकता है और ये धनावेशित भी हो सकता है। ठीक है, तीनों प्रकार के हो सकते हैं, और इनका जो वर्गीकरण किया था वो दंतुकता के आधार पर किया था हमने, एक दंतुक, द्विदंतुक और बहुदंतुक। बहुदंतुक में हमने देखा कि त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षट यानी हेक्सादंतुक लिगेंड आते हैं। लिगेंड देख लिए हमने, उसके बाद हमने क्या है ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखा था, ऑक्सीकरण अयुक्तेश नामकरण से पहले हम ये चलक सीख रहे थे, और ऑक्सीकरण अंक के साथ साथ हमने क्या है समन्वय संख्या निकालना भी सीखा, समन्वय संख्या। ठीक है, तो समन्वय संख्या निकालना सीखा हमने यहाँ पे, और हमने कहा था समन्वय ऑक्सीकरण अंक एक्स मानकर कैसे निकालते हैं, और समन्वय संख्या हमने कहा था कि केंद्रीय धातु के साथ लिगेंड जितने उपसह संयोजी बंध बनाता है वही क्या होती है समन्वय संख्या होती है केंद्रीय धातु। तो एग्जाम के अंदर पूछ लेता है इन दोनों से रिलेटेड कि ऑक्सीकरण अंक व समन्वय संख्या बताइए केंद्रीय धातु, ये दोनों ही केंद्रीय धातु के सापेक्ष पूछे जाते हैं, केंद्रीय धातु। ठीक है, तो इतना हम ये कर चुके हैं। अब इसके अंदर ही नामकरण से पहले दो तीन और हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, उनको समझ लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नामकरण कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो चलो देखते हैं,
ये सब देखने के बाद उपसे संयोजी यौगिकों से संबंधित ही है। हमने देखा था बहुत सारे उदाहरण देखे संकुलों के जिनका आयनन किया था, अलग अलग प्रकार के उदाहरण देखे थे, समन्वय संख्या निकाली, ऑक्सीकरण अंक निकाला। वहीं पर एग्जाम के अंदर एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे, पूछ ले कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक दो टर्म है, होमोलेप्टिक और दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक, दो चीज है। होमोलेप्टिक संकुल यानी संकुल कह दिया इनको, और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक संकुल। एक बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर एक नंबर में क्वेश्चन इसी चैप्टर से कि निम्न संकुलों को, या आपसे कह दे होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, या कोई चार संकुल दे दे आपको और आपसे कहे कि इनमें से होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल को पहचानिए। क्या कहा? होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल को पहचानिए। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे मैंने कहा K4FeCN का होल 6, एक संकुल ये है, और एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पर K4FeCN का होल 2 Cl2 और CnO का होल 2। ये दोनों उसी तरह के संकुल है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है होमोलेप्टिक और यहाँ पर लिखा हुआ है हेट्रोलेप्टिक। तो ये हेट्रोलेप्टिक संकुल है, ये होमोलेप्टिक संकुल है। तो अगर हम गौर से देखें दोनों संकुलों को तो परिभाषा हमारे सामने आ जाती है अपने आप। देखो यहाँ पर K4 यानी आयन मंडल जो है, यहाँ भी K4 है, यहाँ भी K4 है, दोनों समान है। जहां पर भिन्नता है वही हमारी परिभाषा है, जहां पर भिन्नता आ जाएगी वही हमारी परिभाषा हो जाएगी। ये दोनों समान है आयन मंडल। अब आते हैं समन्वय मंडल में। समन्वय मंडल क्या है? पूरा होता है कंप्लीट। FeCN का हॉल 6 एक केंद्रीय धातु है, FeCN लिगेंड है 6CN है, यानी ये केंद्रीय धातु लिगेंड जो है 6 वो समान प्रकार के लिगेंड है, 6 की 6CN है। तो ये होमोलेप्टिक संकुल की डेफिनेशन यहां से आ गई। क्या हुई कि वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए सभी लिगेंड समान प्रकार के होते हैं। CN क्या है? 6 है, लेकिन सबकी सभी CN है तो सभी समान हो गए। क्या हो गए? सभी समान हो गए। यहाँ पे तो हमने कहा कि वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु से जुड़े सभी लिगेंड कैसे होते हैं? समान प्रकार के होते हैं, क्या कहलाता है? होमोलेप्टिक संकुल कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं समान लिगेंड, समान लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ। केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हैं। यानी कि होमोलेप्टिक संकुल वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए सभी लिगेंड समान प्रकार के होते हैं, होमोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। परिभाषा आ गई अपने पास। दूसरे में चलते हैं। यहाँ पर समन्वय मंडल को देखें तो देखो यहाँ पर CN भी लिगेंड है, CL भी लिगेंड है और CNO भी लिगेंड है, तीन तीन लिगेंड है। तो तीन लिगेंड है तो इसका मतलब क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड हो गए। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी? वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंड कैसे होते हैं? समान प्रकार के या एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड होते हैं, या केंद्रीय धातु भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंडों से जुड़ी होती है या उपसह संयोजी बंध बनाती है, तो ऐसे संकुल हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड,
भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हों, केंद्रीय धातु के साथ जुड़े होते हैं। तो ऐसे संकुल जो है वो हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। तो देखो हमारे पास दोनों जो टर्म है वो डिफाइन हो चुकी है, परिभाषा आ चुकी है। होमोलेप्टिक संकुल वे संकुल जिनमें समान लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं, या हम कहें कि केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए लिगेंड कैसे हों, समान प्रकार के हों, होमोलेप्टिक लिगेंड कहलाते हैं। और वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए लिगेंड भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। पहचान कैसे करनी है? अगर एक ही प्रकार के लिगेंड है सभी समन्वय मंडल में तो वो कैसा हो जाएगा? होमोलेप्टिक। और यदि भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड है तो वो हेट्रोलेप्टिक। चाहे एक से ज्यादा ही हो गए, यानी दो प्रकार ही हो गए, तो भी हेट्रोलेप्टिक है। होमोलेप्टिक तभी होगा जब एक ही प्रकार के लिगेंड है, यहाँ पर जितने भी हैं 4, 5, 6 समन्वय मंडल में वो सारे एक ही है तो होमोलेप्टिक। और तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके हम। देखो दूसरा उदाहरण हम लें यहाँ पर, जैसे मैंने ये ले लिया CU NH3 का होल पूर SO4। कैसा संकुल है? होमोलेप्टिक संकुल है, क्योंकि समन्वय मंडल में जो लिगेंड है वो कैसा है? NH3, और चारों NH3 है, तो ये कैसा हो जाएगा? होमोलेप्टिक। इसी तरह से हम इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं ये ले लेता हूँ K3CO CN का हॉल 6, ये भी कैसा है? होमोलेप्टिक संकुल है, CN लिगेंड है, सारे समान है। इसी तरह से हमने यहाँ पर उदाहरण ले लिया, जैसे मैं ये ले लेता हूँ Na3CO CNO का हॉल 6, ये भी होमोलेप्टिक हो जाएगा क्योंकि CNO साइनेटो लिगेंड है, 6 की 6 समान है, ठीक है। इसी तरह से हम इधर उदाहरण लें हेट्रोलेप्टिक के अंदर, तो यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं CO PN का हॉल 2 और CN का हॉल 2 प्लस CO के साथ EN इथिलीन डाइएमीन का हॉल 2 है, CN का हॉल 2 है, दो प्रकार के लिगेंड हो गए, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड हो गए। इसी तरह से उदाहरण ले ले, जैसे हम यहाँ पर Fe, यहाँ पर ले लिया Na3 और इसको हमने ले लिया SCN का हॉल 2, H2O का हॉल 4, H2O का हॉल 4, या यहाँ पर हम ले लेते हैं H2O का हॉल 2 और यहाँ पर CNO का हॉल 2, इसको ऐड करें, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड हो गया है, थायोसाइनेटो, एक्वा और साइनेटो, तीन प्रकार के हैं, ये सारे होमोलेप्टिक हैं। और एग्जांपल यहाँ पर देखें तो हम ये ले सकते हैं PtCl2Br2-2, ये भी एक हेट्रोलेप्टिक लिगेंड है क्योंकि ClBr दो अलग अलग लिगेंड आ रहे हैं। या हम और एग्जांपल लें यहाँ पर NiCO का हॉल 2 और यहाँ पर मैंने ले लिया CN का हॉल 2, CN का हॉल 2, ये लिगेंड है। कार्बोनिल अलग हो गया, CN अलग हो गया, दो प्रकार के लिगेंड हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या है पहचान कर सकते हैं होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में। होमोलेप्टिक में समान प्रकार के लिगेंड होंगे, जैसे यहाँ पर 6 लिगेंड है, 6 CN है,
यहाँ पर अमोनिया है, चारों अमोनिया है, यहाँ पर छह है CNH है, यहाँ पर साइनेटो है CNO, छह की छह वही है, दूसरा कोई लिगेंड नहीं है, एक ही प्रकार के लिगेंड है, जो भी है एक ही प्रकार का है। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक में भिन्न भिन्न होंगे, एक प्रकार के नहीं होंगे, जैसे CN आ गया, CL आ गया, CNO आ गया, यहाँ पे इथिलीन डाइएमीन आ गया, CN आ गया, थायोसाइनेटो आ गया, H2O एक्वा आ गया, CNO आ गया, यहाँ पर CL आ गया, BR आ गया, दो प्रकार के CO आ गया और CN आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके होमो और हेट्रोलेप्टिक लिगेंड हो गए। ठीक, अब देखो यहीं पर हमने जो कर लिया है उसी को हम फिर से रिवाइज कर देते हैं फटाक से। समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण अंक, समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण अंक, तो देखो समन्वय संख्या आप सबको साफ साफ दिख रही होगी यहाँ पे। देखो इस धातु के लिए, इस धातु के लिए ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? देखो हम सीधा इसको करें तो यहाँ पर देखो मैं सीधा बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण अंक आप निकाल के देख सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना, समन्वय संख्या सबको यही दिख जाएगी। तो देखो यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +2 है इस संकुल के अंदर। समन्वय संख्या CN, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितने लिगेंड है? छह। उपसह संयुज्य बंध कितने बनेंगे? छह। तो इसका मतलब समन्वय संख्या छह। इसकी बात करें यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक जो है इसका कितना होगा कॉपर का, तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +2 है, ये हम निकाल चुके हैं, पहले कर चुके हैं एग्जाम्पल। समन्वय संख्या की बात करें इसके लिए तो समन्वय संख्या देखो कितने अमोनिया है, चार, यानी चार लिगेंड है, समन्वय संख्या भी चार हो जाएगी। COCl का ऑल 6 है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अंक है, कई बार निकाल चुके हैं। और यहाँ पर समन्वय संख्या की बात करें जो हम सीख चुके हैं CN 6 है, तो छह उपसह संयोजी बंध बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखें यहाँ पर CO का ऑक्सीकरण अंक OS जो है वो +3 आएगा, और समन्वय संख्या की बात करें इस संकुल में तो छह CNO है, तो समन्वय संख्या भी छह होगी क्योंकि छह उपसह संयोजी बंध बनेंगे। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक में आते हैं तो हेट्रोलेप्टिक संकुल जो है इसके अंदर देखो यहाँ पर इस Fe का अगर हम ऑक्सीकरण अंक निकालें तो ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो आप बाद में आराम से निकाल के देख लेना प्रैक्टिस करके, तो इसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या होगा +2 होगा, कितना होगा +2 ऑक्सीकरण अंक होगा इस Fe का यहाँ पर केंद्रीय धातु का। और इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो देखो सारे एक दंतुक लिगेंड है, तो दो यहाँ पे, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, समन्वय संख्या भी छह हो जाएगी। इसके अंदर देखें COEN का ऑल ट्वाइस, CN का ऑल ट्वाइस प्लस ऑक्सीकरण अंक की बात करें कोबाल्ट की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है द्विदंतुक लिगेंड है बट उदासीन है, CN का ऑल ट्वाइस X मान के करेंगे तो ये X -2 आएगा, ये प्लस का क्या है बराबर के बाद में, तो ये क्या है जुड़ जाएगा -2 सामने जाके +2 हो जाएगा, तो +2 और +1 +3, तो ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर +3 आएगा। समन्वय संख्या की बात करें तो देखो यहाँ पे गौर करना है हमें, CN एक दंतुक लिगेंड है, दो उपसह संयोजी बंध बनाएगा क्योंकि हॉल ट्वाइस है, लेकिन EN का हॉल ट्वाइस, EN दो है तो EN क्या है इथिलीन डाइएमीन, और इथिलीन डाइएमीन हमारा जो है द्विदंतुक लिगेंड होता है, तो इसका मतलब एक EN जो है वो दो बंध बनाता है, एक EN दो उपसह संयोजी बंध बनाता है, तो दो कितने बनाएंगे चार, तो चार ये बनाएगा और दो ये, तो कितने हो गए CN का मान छह, समन्वय संख्या 6 हो जाए। इसके अंदर देखें Fe का ऑक्सीकरण अंक, तो देखो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ये यहाँ पर, तो इसका भी ऑक्सीकरण अंक जो है +3 आएगा Fe का, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +3। और इसमें समन्वय संख्या की बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो यहाँ पर ये मोनोडेंटेट है, ये भी मोनो है, ये भी मोनो है, यानी एक दंतुक लिगेंड है तीरो, तो दो चार दो छह, समन्वय संख्या 6। PtCl2Br2, प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक निकालें तो यहाँ पर प्लेटिनम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +2 आएगा, और समन्वय संख्या कितनी होगी, दो एक दंतुक लिगेंड है और दो ये रहे, तो इसका मतलब CN हो जाएगा यहाँ पर चार, कोऑर्डिनेशन नंबर चार हो जाएगा। हेट्रोलेप्टिक का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, निकल का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक निकालें तो देखो एक्स ये जीरो है, ये माइनस, एक्स -2 इज इक्वल टू जीरो, तो बराबर चला जाएगा बाद में +2 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +2,
समन्वय संख्या की बात करें तो कार्बोनिल क्या है, एक दंतुक है, और सीएन भी एक दंतुक है, तो कितना हो जाएगा, दो दो चार। तो इस तरह से हम क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक संकुल में भी। एग्जाम में पूछा जाता है होमोलैक्टिक हेट्रोलैक्टिक संकुल किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण दीजिए या दोनों में अंतर दीजिए। तो आपको बताना है वे संकुल जिनमें समान प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं होमोलैक्टिक संकुल कहलाते हैं, और जिन संकुलों में समान प्रकार के लिगेंड उपस्थित नहीं होते हैं वो हेट्रोलैक्टिक संकुल कहलाते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं सारे, ठीक है, ये सारे उदाहरण जो हैं लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हमें क्या है ध्यान रखना है, इसके बाद इसी से संबंधित एक है टर्म है अपनी, देखो इसी तरह से एक टर्म और है आपका उभयदंतुक लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड। तो आपसे कह दिया जाए उभयदंतुक लिगेंड क्या है, या इसको आप उभयदंती लिगेंड भी कह सकते हैं, या उभयदंती लिगेंड एक ही बात है, कैसे भी कहे वो उभयदंतुक लिगेंड कहे उभयदंती लिगेंड कहे। तो देखो उभयदंतुक लिगेंड से मतलब होता है वह लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, एक दंतुक लिगेंड होता है लेकिन उसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और एक बार में वो एक ही परमाणु का उपयोग कर सकता है, ऐसा नहीं है एक बार में दोनों से जुड़ जाएगा। तो केंद्रीय धातु के साथ एक बार में वो एक ही दाता परमाणु का क्या करेगा, उपयोग करेगा, या हम कह सकते हैं एक ही दाता केंद्र का उपयोग करेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा CN, CN यहाँ पर क्या है, CN माइनस एक उभयदंतुक लिगेंड है या उभयदंती लिगेंड है, क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है और नाइट्रोजन भी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है केंद्रीय धातु के साथ किससे जुड़ा हुआ है, ये N से भी जुड़ सकता है और C से भी, तो इसलिए हम CN को ऐसे भी लिखते हैं NC माइनस, ये साइन आयो साइन हो गया, ये आइसो साइन हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, C से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर N से, यानी इसका उपयोग करके हम दिखाएं ये केंद्रीय धातु है, इसके साथ अगर इस तरह से ये जुड़ा हुआ है तो ये आपका हो गया इस प्रकार का, लेकिन ये ऐसे भी जुड़ सकता है केंद्रीय धातु के साथ N ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उभयदंती लिगेंड हो गया, यानी जिसमें दो केंद्र उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर के और एक समय में एक का ही उपयोग करता है, जैसे यहाँ पर अब ये C के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन इसमें ये N के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया NO2, क्या ले लिया NO2 ले लिया, तो ये NO2 जो है इस पर माइनस वन चार्ज होता है, एक दंतुक लिगेंड है, और ये जो है ये भी उभयदंतुक लिगेंड है, ये ऐसे भी जुड़ सकता है ONO, ये नाइट्रो होता है और ये नाइट्राइट होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये केंद्रीय धातु के साथ कैसे जुड़ेगा, इसको हम उपसय संयोजी बंध बना देते हैं, इसमें ये जो है उपसय संयोजी बंध बनाएगा इस तरह से O माइनस डुअल बॉन्ड O NO2, N के साथ केंद्रीय धातु से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पर ये उभयदंती लिगेंड जो है मेटल के साथ O के साथ जुड़ा हुआ होगा, किसके साथ, O के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है उभयदंती लिगेंड का मतलब होता है कि
जो लिगेंड है वो दो इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही सेंटर रखता है, यानी कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन डोनर केंद्र होते हैं जिनमें से वो एक समय में एक का उपयोग कर सकता है। तो उभयदंती लिगेंड का मतलब हम कहेंगे कि वे लिगेंड जो कि क्या है, दो इलेक्ट्रॉन दान केंद्र रखते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनर परमाणु उनमें होते हैं, यानी कि जिन लिगेंडों में दो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। मेन चीज ये याद रखने के, दो दाता परमाणु जैसे CN में N भी है C भी है, तो इधर C कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पर N कर रहा है, यहाँ पर NO2 है इसमें भी दो है N और O, तो यहाँ पर N कर रहा है यहाँ पर O कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इस तरह से उभयदंती लिगेंड हो जाएगा, यानी कि वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, या हम कह सकते हैं वे एक दंतुक लिगेंड जिनमें दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। और एक समय में ये जो उभयदंती लिगेंड है वो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर यानी इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु का उपयोग कर सकते हैं या केंद्र का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एन के साथ सी ने बना लिया और एन ने भी बना लिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है एक बार में एक ही केंद्र का यूज होगा, जैसे सी ने याद दे दिया तो फिर दूसरी बार ये एम जो है ये इस एन के साथ जुड़ गया, तो एक समय में एक का उपयोग होगा, ठीक है। उभयदंती लिगेंड होंगे, आगे भी आएगा ये समावयवता में फ्लेक्सिबल लिगेंड के अंदर, वहां पर हम और इसको विस्तार से देखेंगे, ठीक है। और लास्ट इसमें एक और टर्म है जिसको हम कर लेते हैं, कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड, अब देखो कीलेट, कीलेट का मतलब होता है वलय, कीलेट का मतलब होता है वलय। तो कीलेट लिगेंड के हम क्या कह सकते हैं कि वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु के साथ उपसह संयोजी बंध बनाकर वलय का निर्माण करते हैं, यानी जब वो उपसह संयोजी बंध बनाएगा केंद्रीय धातु के साथ तो वलय का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के जो लिगेंड हैं वो कैसे हैं, कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। और कीलेट लिगेंड जो होते हैं मुख्यतः पॉलीडेंटिक लिगेंड होते हैं, बहुदंतुक लिगेंड, कौन से होते हैं, बहुदंतुक लिगेंड होते हैं जिनमें क्या होता है एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये किया, एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, CuEn का होल ट्वाइस प्लस टू, CuEn का ऑल ट्वाइस प्लस टू। En क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है इथिलीन डाइएमीन, तो इथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक लिगेंड है, इसके दो हैं, तो देखो इसकी कैसे वाले बनाएगा ये Cu, एक तरफ मैं लिख देता हूँ इथिलीन डाइएमीन क्या होता है CH2 CH2 NH2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा NH2, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन इसको देगा, ये इसको देगा, तो द्विदंतुक लिगेंड है, दो उपसह संयोजी बंध बनाएगा क्योंकि दो दाता परमाणु है। इसी तरह से इधर आ जाएगा CH2 CH2 NH2 NH2, और इसका क्या हो जाएगा पूरे का प्लस टू, तो ये हमारा हो गया CuEn का ऑल ट्वाइस प्लस टू। तो यहां पर जो EN है इथिलीन डाइएमीन, ये क्या है, एक कीलेट लिगेंड है, कैसा है, कीलेट लिगेंड है, क्यों है, क्योंकि ये उपसह संयोजी बंध जब बना रहा है केंद्रीय धातु के साथ तो वलय का निर्माण कर रहा है, ये देखो एक वलय ये बन गई यहाँ पर और एक वलय ये बन गई यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कीलेट लिगेंड हो गया। तो हम कह सकते हैं वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ उपसह संयोजी बंध बनाकर वले का निर्माण करते हैं उन्हें हम कीलेट लिगेंड कहते हैं, और ऐसे जो यौगिक होते हैं उन्हें हम कीलेट संकुल कहते हैं, क्या कहते हैं, कीलेट
संकुल है। तो ये हमारा क्या है, कीलेट संकुल हो गया और EN जो है हमारा क्या हो गया, इथिलीन डायमीन कीलेट लिगेंड। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हम कीलेट लिगेंड को डिफाइन कर सकते हैं, क्या परिभाषा होती है, क्या एग्जांपल होता है। इथिलीन डायमीन आपका एक क्या हो गया, कीलेट लिगेंड हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हम यहां पर कहें CO OX का होल थ्राइस, OX का होल थ्राइस और यहां पर K3 कर दिया, तो ये क्या है, देखो OX ऑक्सिलेटो होता है, ऑक्सिलेटो का सूत्र क्या होता है, COO माइनस और COO माइनस। तो इसको यदि हम कॉम्प्लेक्स बनाए तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आयनन करेंगे तो ये अलग हो जाएगा वर्ग जो है, तो कोबाल्ट COO और इधर लिख दिया मैंने COO, एक इधर लिख दिया COO COO और एक मैंने नीचे लिख दिया देखो एक ये बना दिया इसने और दो कौन बनाएगा, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, देखो यहाँ पे एक वाले ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई, तीन वाले बन गई। तो इस तरह से ऑक्सिलेटो जो है वो भी क्या है, एक द्विदंतुक लिगेंड की तरह कार्य करता है। तो ये हमारा था कीलेट लिगेंड क्या होता है, उसके अलावा कीलेट संकुल क्या है, जिनमें कीलेट लिगेंड है वो कीलेट संकुल हो गए, जिनमें वले बन रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट ऑक्सीकरण अवस्था और हमने क्या देखा, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक।